हाय फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ प्रीपोजिशन, यानी कि संबंध वाचक शब्द। प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और उनका दूसरी चीज़ों से क्या संबंध है ये बताता है, अथवा सब्जेक्ट यानी कर्ता का दूसरी चीज़ों से संबंध या उसकी पोजिशन बताता है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है अपॉन। अपॉन का मीनिंग होता है ऊपर, या ऊपर के सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं, ऊपर के सेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन वो गति में होना चाहिए। जैसे कि पुलिसमैन मोटरसाइकिल पर जा रहा है, आ पुलिसमैन इज गोइंग अपॉन द बाइक। लड़का पानी पर तैर रहा है, द बॉय इज फ्लोटिंग अपॉन वाटर। फ्रेंड्स, देखा किस तरीके से, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो लेकिन वो गति में हो, यदि वो उस चीज़ पर है और रुका हुआ है तो ऑन का यूज़ होता है, जो मैं ऑन वाले सेशन में बता चुका हूँ, लेकिन वो उस चीज़ पर तो है और उसके ऊपर होने के साथ साथ वो गति में है, मोशन में है, तो हम अपॉन का यूज़ करते हैं। लेते हैं हम नेक्स्ट उदाहरण। कुत्ता कुर्सी पर कूद रहा है, यानी वो एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर कूद रहा है, तो उसकी जो बीच का समय होता है, कूदने का जो समय होता है, उसको हम गति में मान लेते हैं, और जब वो किसी चीज़ पर जा रहा होता है तो हम उसको अपॉन में बोलते हैं, अपॉन के साथ उसको हम बताते हैं। जैसे कि कुत्ता कुर्सी पर कूद रहा है, द डॉग इज जंपिंग अपॉन द चेयर। बच्चे रेत पर कूद रहे हैं, तो चिल्ड्रेन आर जंपिंग अपॉन सैंड। सैंड मीन्स होती है रेत या बालू। नेक्स्ट इसका यूज लेते हैं फ्रेंड्स, जब कोई चीज चल रही होती है, गति में होती है, और उस पर कोई सामान रखा होता है, तो उस सेंस में भी हम अपॉन का यूज करते हैं। जैसे कि बस चल रही होती है और उस पर किसी का सामान रखा होता है, तो उसमें हम बोलते हैं कि हमारा सामान बस के ऊपर रखा हुआ है। तो मैं बोलूँगा जैसे कि मेरा बैग बस के ऊपर है, माई बैग इज़ अपॉन द बस। बस यदि चल रही है तो अपॉन का यूज़ करेंगे, और जैसे ही बस रुक जाएगी तो मैं बोलूँगा माई बैग इज़ ऑन द बस, यानी कि रुक गई है बस तो वो बैग ऑन हो जाएगा, और बस चलने लगी है तो बैग को हम अपॉन के साथ बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, माई बैग इज़ अपॉन द बस, यदि बस चल रही है तो अपॉन बोलेंगे, और यदि रुक गई है तो माई बैग इज़ ऑन द बस। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रीपोजिशन अच्छे से समझ में आया होगा, मेरा आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए, और आपका दिन